तो आज थोड़ी मेहनत बहुत लगी मुझे घर पे, मुझे पहले ही करना था। तो मेरे हिसाब से 2 वीक हो गए मुझे ये लेके आए हुए, लेकिन टाइम मिल ही नहीं रहा था मुझे कब का, कि कब करूँ कब करूँ, लेकिन टाइम बहुत ही कम था। और शाम को आता था तो सब मशीन वशीन अंदर रख के चले जाते, लेकिन आज मशीन ही थी। और जैसा कि अभी यह संडे है, और भी मैं आपको इंटरेस्टिंग बता दूँ तो जाएंगे हम बाहर थोड़ा घूमने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ जीतन सिंह राजपुरोहित और आप देख रहे हैं टेक्निकल भगत सिंह। दोस्तों आज संडे स्पेशल व्लॉग है, तो आज मैं कुछ शूट तो नहीं कर रहा, कुछ अनबॉक्सिंग और रिव्यू नहीं होगा, लेकिन मैं थोड़ा यहाँ पे दीवार पे कुछ, मैं लास्ट टाइम जैसे कि मैंने संडे को व्लॉग बनाया था उसमें मैं लेके आया था वो फ्रेम लाइक भगवान बुद्धा की, तो वो मैं बता देता हूँ आपको। वो एक इस टाइप का कुछ है तो यहाँ पे हम सेट करना चाहते हैं ताकि वीडियो में कुछ और बेस्ट लगेगा, और एक तस्वीर और भी है जो वो भी हम लगाएंगे थोड़ा ड्रिल विल करके। खुद ही घर पे थोड़ा काम चल रहा है, रिनोवेशन कुछ चल रहा है, तो वो हम करेंगे अभी। तो जैसा कि मशीन हम ले आए हैं, लेकिन अब मैं खुद ही कर लूँगा ये सब, मैंने पहले भी बहुत किया है इस टाइप का कुछ। और तो पहले मुझे थोड़ा लाइट का सिस्टम सेट करना पड़ेगा। लेके आया हूँ फर्स्ट सेट, तो ये हो गया। और इसके ऊपर हम ओके, तो ये हो गया करेक्ट। इतना कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन अब फ्रेम लगाने के लिए ही चाहिए मुझे, तो बेस्ट है। और ये हो गया कंप्लीट। तो ज्यादा कुछ देखे नहीं लगी, मुझे लगा था शायद आधा एक घंटा लगभग जाएगा, तो इसके साथ आधा एक घंटा नहीं लगा, केवल 2 मिनट का काम था। जैसे मशीन सेटअप कर लिया, मैं स्क्रू ड्राइवर स्क्रू ड्राइवर सब कुछ लिखा, मैंने शायद थोड़ा हार्ड काम होगा, लेकिन इतना हार्ड नहीं हुआ, बहुत ही इजीली हो गया। तो ये एक बेस्ट रहा, एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ, स्क्रू मेरे से लूज लूज रहा है, मैंने कुछ ज्यादा ही साइन लगा के, लेकिन प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी ये लगाने के लिए है, टेढ़ा तो नहीं है। ओके तो फर्स्ट सेट ये हो गया। सेकंड वहाँ कृष्ण भगवान की मूर्ति वो फ्रेम है, वो एक सेटअप वहाँ पे बीच में लगाना है। तो पहले इसको थोड़ा लंबा कर लेता हूँ, पूरे घर की हालत एकदम अजीब कर दी मैंने। तो कमरा थोड़ा सा छोटा है, प्रॉब्लम रहती है, लेकिन कोई बात नहीं, वो हम एडजस्ट कर लेंगे। और जैसे कि ये मूर्ति है मेरे बेड के, एक मिनट सेट करके देख लेता हूँ पहले, ठीक है। हाँ मैंने पहले मेरे काम में मैंने किए, तो उसके लिए मुझे थोड़ी दिक्कत नहीं हो रही। मेरे हिसाब से मैंने स्क्रू थोड़ा छोटे लाए, तो एक ही इसका ही स्क्रू, और क्लीन करने में
एक लगा और एक ये वीडियो के लिए मैंने किया था। और जैसा कि ये फ्रेम है, मैंने वीडियो शूट के लिए मैंने कहा शायद थोड़ा बेस्ट लगेगा इस टाइप का कुछ। तो यहाँ पे मैं खड़ा होता हूँ, यहाँ से सब इंट्रो विंट्रो होता है। तो ये मेरे हिसाब से एक बैकग्राउंड काफ़ी मैं डिफरेंट और अच्छा बेस्ट करना चाहा, तो ये बेस्ट है। मैंने वहाँ पे डिसाइड किया था पहले, लेकिन थोड़ा ऊपर से, लेकिन मैंने सोचा कि क्या अगर वीडियो में आएगा ही नहीं तो वो काम का क्या। तो ये और मेरी हालत थोड़ी पसीने जैसे हो गई। तो दोस्तों आज का ब्लॉगिंग में ये, घर पे थोड़ा काम चल रहा है, वीडियो शूट की थोड़ी प्रॉब्लम भी हो रही है, लेकिन इसके हिसाब से मैंने कम ही वीडियो बनाए हैं अभी। और क्योंकि ज़्यादातर आवाज़ बहुत होती है तो वीडियो शूट नहीं कर पाता पूरा। वैसे तो कमरा मैंने पैक किया हुआ है, टोटली पूरा पैक है, लेकिन बाहर से वॉइस बहुत ही ज़्यादा आती है तो वीडियो बन नहीं पाते। तो और रात को लेट होता है तो वीडियो हो नहीं पाते। वैसे तो रूटीन वीडियो आपको डेली मिली जाएगी, छोटी सी झलक दिखा दो घर पे कैसा काम चल रहा है। और आएंगे पहलाने का जैसा कि अभी मैं बाहर आया था होली का टाइम है आज, तो जस मैंने सोचा वो आधा ब्लॉग बाकी है मेरा, तो मैंने सोचा पूरा कर दूँ और थोड़ा सा हाफ वीडियो ले लूँगा। जैसे यहाँ पे तो माहौल कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गया और सभी ने कलर यूज़ कर लिया। और सुबह से मैं होली नहीं खेल रहा था, शाम को ही जैसे मैं आया तब मैंने कहा सोचा शायद वीडियो पूरा कर देता हूँ, ब्लॉग मेरा आधा ही रह गया, टाइम नहीं मिल रहा इसलिए, तो मैंने सोचा ब्लॉग पूरा कर दूँ। और ब्लॉग के हिसाब से मैंने वापस दर्शन मोबाइल में आया, कोई मोबाइल ले लेता हूँ, लेकिन मोबाइल नहीं मिला। लेकिन लोगों ने मुझे पूरा पूरा काला कर दिया, काला पीला कर दिया। तो अभी मैं दर्शन मोबाइल के शॉप पे हूँ, थोड़ी देर बाद में जाऊँगा और दूसरा वीडियो कंप्लीट करूँगा। अभी मुझे घर पे जाके पहले फ्रेश होना पड़ेगा। मैं सोच रहा था आज पूरे दिन अगर नहीं हुआ तो मेरा ब्लॉग भी कंप्लीट हो जाएगा और शायद वीडियो बना लूँगा। ब्लॉग आधा ही बनाया था मैंने घर पे, तो वो जैसे कि वो पार्टीशन बाकी था मैंने उसका बनाया था, लेकिन अभी हालत हो गई ऐसी और बहुत ही ख़राब तरीके से हमने होली खेली। ये लोग अपने आप को क्लीन कर रहे हैं और एक बंदा जो अंदर बैठा है, इन तीनों ने मिलके मुझको पकड़ा और मेरे ऊपर ज़बरदस्ती कलर लगा। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, और जैसा कि कल आपको वीडियो दूसरा मिल जाएगा मोबाइल या कुछ एक्सेसरीज का, तो वो वीडियो आ जाएगा आपके पास। और कुछ ज़्यादा ही कलर होगा यार, ऊपर इतना सोचा नहीं था, मेरा कलर मुझे भी फिर गया। तो ब्लॉग कंप्लीट, आज इतना ही। संडे के हिसाब से और होली के हिसाब से मैं कहीं, होली के हिसाब से मैं कहीं जा नहीं पाया, सॉरी संडे नहीं, होली के हिसाब से मैं कहीं जा नहीं पाया। कल संडे था लेकिन व्लॉग नहीं हो पाया पूरा कंप्लीट, टाइम ही नहीं मिल रहा, बहुत इशू हो रहे हैं। और संडे व्लॉग स्पेशल जैसा कि मैंने रखा है तो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, टाइम का और थोड़ा सा प्रॉब्लम भी है। तो चलिए सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं।